हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2020 की सभी इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस कवर करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2020 की सभी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा, करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। G20 समिट 2020, तो इसका वेन्यू है रियाद इन सऊदी अरेबिया। G20 समिट 2021, इसका वेन्यू है रोम इन इटली। G20 समिट 2022, इसका वेन्यू है न्यू दिल्ली, इंडिया। और फ्रेंड्स, एक फैक्ट आप याद रखना कि जो G20 शेरपा मीटिंग, इसमें जो भारत की ओर से शेरपा हैं, वे हैं सुरेश प्रभु। G7 समिट 2019, ये हुई है बियरिट्स में इन फ्रांस। G7 समिट 2020, ये US में होनी थी लेकिन अभी पोस्टपोन हो चुकी है। G20 समिट 2019, इसका वेन्यू रहा ओसाका इन जापान। ब्रिक्स समिट 2020, इसका वेन्यू है रशिया और थीम रहेगा ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीट 2020, SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीट 2020, ये दोनों ही मीटिंग हुई है मॉस्को इन रशिया। फ्रेंड्स, SCO का मतलब है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, आप केवल इतना याद रखें कि इस साल की SCO और रशिया, सॉरी इस साल की SCO और ब्रिक्स, इन दोनों ही मीटिंग्स का जो चेयरमैनशिप है वो रशिया के पास है। SCO मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस मीट 2020, इसको होस्ट किया है भारत के लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने। ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020, इसका वेन्यू रहा गांधीनगर इन गुजरात। इंटरनेशनल लेवल प्रोग्राम मिलन, इसका वेन्यू रहा विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। इंडियन साइंस कांग्रेस, जो कि इसका इस बार 107वां संस्करण था, यह हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज इन बेंगलुरु कर्नाटका और थीम रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। और 108वां संस्करण इसका इंडियन साइंस कांग्रेस का जो 2021 में होगा वो संपन्न होगा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे इन महाराष्ट्र और थीम रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट। 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2020, तो इसका वेन्यू रहा दावोस इन स्विट्जरलैंड और थीम रहा स्टॉक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और जो 2021 में इसका 51वां संस्करण आएगा वो होगा लुसन इन स्विट्जरलैंड और थीम रहेगा द ग्रेट रीसेट। फ्रेंड्स, ये वाला थीम काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना द ग्रेट रीसेट। 5th साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020, इसका वेन्यू रहा पणजी इन गोवा। 4th प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका वेन्यू रहा उदयपुर इन राजस्थान। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020, इसका वेन्यू रहा कोची इन केरला और थीम रहा ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। 11th डेफ एक्सपो 2020, इसका वेन्यू रहा लखनऊ इन उत्तर प्रदेश और थीम रहेगा इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2020, इसका वेन्यू रहा भोपाल इन मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2020, इसको इस बार जिसने इसको इस बार किया है वो है परमार्थ निकेतन, जो कि ऋषिकेश बेस्ड एक निकेतन है उत्तराखंड में और थीम रहा योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, इनके तत्वस्थान में ये संपन्न हुआ, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश। बायो एशिया समिट 2020, इसका वेन्यू रहा हैदराबाद और थीम है टूडे फॉर टुमारो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट समिट है। 78th वर्ल्ड साइंस फिक्शन कन्वेंशन, इसका वेन्यू रहा वेलिंगटन न्यूजीलैंड। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2020, इसको इनोग्रेट किया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। वेन्यू इसका फरीदाबाद रहता है जो कि हरियाणा में है। थीम स्टेट रहा हिमाचल प्रदेश, पार्टनर नेशन रहा उज्बेकिस्तान। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020, इसका वेन्यू रहा यूनाइटेड किंगडम। और फ्रेंड्स, साथ ही भारत ने ये प्लेज की है, ये प्रतिज्ञा की है कि 15 मिलियन US डॉलर ये गवी इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस में अपनी तरफ से देगा। फ्रेंड्स, ये वाला जो सबमिट है, देखिए ये अभी उत्तर प्रदेश PCS की जो परीक्षा हुई है 11 अक्टूबर को, उसमें भी पूछा गया है, तो इसलिए ये वाली सबमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 36th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस समिट 2020, ये हुआ हनोई इन वियतनाम।
इसका थीम रहा कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान। 9th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, वेन्यू रहा कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। कलाम कन्वेंशन 2020, वेन्यू रहा हैदराबाद इन तेलंगाना, और इसको इनोग्रेट किया वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी ने। फर्स्ट एवर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2020, वेन्यू रहा जम्मू एंड कश्मीर। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट COP26 2021, ये होगा ग्लासगो इन स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम। 14th ईस्ट एशिया समिट 2019, इसका वेन्यू रहा बैंकॉक थाईलैंड। फ्रेंड्स से 2019 की है, याद रखना। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस, इसका वेन्यू रहा न्यू दिल्ली। रेस, जिसकी फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, तो इसको इनोग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये अक्टूबर का करंट अफेयर्स है और इसको वर्चुअली इनोग्रेट किया, तो न्यू दिल्ली इसको माना जाएगा। थर्ड जेंडर इक्वालिटी समिट 2020, इसका वेन्यू रहा न्यू दिल्ली। विंग्स इंडिया 2020, इसका वेन्यू रहा बेगमपेट हैदराबाद, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फिक्की के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वेन्यू रहेगा गोवा, और इसको होस्ट करेगा इंडियन पैनोरमा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2020, वेन्यू रहा मुंबई इन महाराष्ट्र। 50th ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, वेन्यू रहा नागपुर इन महाराष्ट्र, और इसका इनोग्रेशन किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू जी ने। 4th मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक परमानेंट वर्किंग कमिटी, वेन्यू रहा कोलंबो श्रीलंका। 10th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020, वेन्यू रहा अबू धाबी यूएई। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020, वेन्यू रहा न्यू दिल्ली, और थीम है टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, ये भी न्यू दिल्ली में होगा, थीम रहेगा रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट 2020, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, वेन्यू रहा न्यू दिल्ली। कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग वुमन एंटरप्रेन्योर्स 2020, वेन्यू रहा न्यू दिल्ली। फर्स्ट गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन 2020, वेन्यू रहा न्यू दिल्ली। 23rd पर्शियन गल्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वेन्यू रहा तेहरान इन ईरान। बिम्स्टेक नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, वेन्यू रहा न्यू दिल्ली। फर्स्ट ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन दैट इज विज्ञान समागम, वेन्यू रहा न्यू दिल्ली। फर्स्ट ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020, वेन्यू रहा गैंगटोक सिक्किम। 24th नेशनल कॉन्वेंशन ऑफ रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 2020, वेन्यू रहा भोपाल इन मध्य प्रदेश। नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस 2020, वेन्यू रहा न्यू दिल्ली। 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, वेन्यू रहा कोची केरला। फर्स्ट नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, वेन्यू रहा न्यू दिल्ली, थीम रहा अनलीजिंग इंडियाज ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020, वेन्यू रहा न्यू दिल्ली, और इसको कराया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा, थीम रहा जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। अफ्रीकन यूनियन हेड्स ऑफ स्टेट समिट 2020, वेन्यू रहा अदिस अबाबा इन इथोपिया। 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ 2020, वेन्यू रहा ओटावा इन कनाडा। 14th इलेक्रमा, वेन्यू रहा ग्रेटर नोएडा इन यूपी, और ये हुआ है इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में। इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन ग्लोब इंडिया थॉट GIT 2020, वेन्यू रहा IIM कोझिकोड इन केरला। इंडिया फार्मा 2020 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020, वेन्यू रहा गांधीनगर इन गुजरात। 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वेन्यू रहा गांधीनगर, थीम रहा माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम, मस्कोट रहा गिबी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रेंड्स साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, PDF से अच्छा आपके लिए ये रहता है कि अगर आप इन सभी लिस्ट को अपने हाथ से इनको लिखें, पेन उठाकर अगर आप कॉपी में इसको नोट डाउन करें तो वो आपको याद रहेगा। ये आप सबको ही पता है, इस बात में बताने की कोई जरूरत नहीं है।
आप एक बार करके देखिए, ये आपको तुरंत याद हो जाएंगे। आप इसको अपने हिसाब से ही बना सकते हैं। जैसे न्यू दिल्ली में जो जो कॉन्फ्रेंस हुई है उनको अपने हिसाब से एक जगह बना लीजिए, डावोस स्विट्जरलैंड में जो हुई है उनको अपने हिसाब से बना लीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। तो आप एक बार पेन से लिखेंगे तो आपको अपने हिसाब से आप इसका नोट्स बना लीजिए, आपके लिए पढ़ने में काफ़ी ईजी रहेगा। साथ ही फ्रेंड्स, आपके जो आने वाले एग्जाम हैं जैसे SBI मेन्स एग्जाम है, तो इसके लिए करंट अफेयर्स क्विजेज हम टेलीग्राम ग्रुप पर चला रहे हैं। आप तुरंत इसको अभी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स फंडा, आपको ये चैनल मिल जाएगा और तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम इस पर देते रहते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही यहाँ पर प्लेलिस्ट दी गई है, हमारे जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं आप उनको देखना ना भूलें। हमने अगस्त से लेकर और अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे UPPCS में ही मैंने आपको बताया था कि 13 से 14 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट यहाँ से पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।